आप भी अपने बच्चों को बाजार की मिठाई मत खिलाइए और घर पर बनाकर लड्डू खिलाइए। मेरी रेसिपी देखिए और बनाइए। सबसे पहले हम गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई को रख देंगे। 500 ग्राम के आसपास बेसन लिया मैंने, ये डाल दूंगी। 500 ग्राम आटा लिया है और ये मैंने 100 ग्राम के आसपास सूजी ली है। सूजी से लड्डू दानेदार बनेंगे, इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसको मैं थोड़ा लो फ्लेम पर पहले सूखा बेसन और आटा भूनूंगी। पाँच से सात मिनट तक भूनना है इसको और फिर उसके बाद में इसमें घी डालूंगी। और गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। फ्रेंड, हमें आटे को भूनने के लिए, आटे और बेसन को भूनने के लिए मोटी तली की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये लग जाएगा और लड्डू का टेस्ट भी कड़वाएगा। और कढ़ाई को भी थोड़ा बड़े साइज में लेना है जिससे इसको बेसन आटे को हम अच्छे से चला सके। आज मेरी रेसिपी बेसन और आटे के लड्डू की है जो घर में सभी को पसंद है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। अगर हम बेसन को लो फ्लेम पर भूनेंगे इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा पर लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमें गैस का ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही हमें गैस को रखना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसमें घी ऐड करूंगी। ये मैंने 1 kg घी लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी। ये थोड़ा बाद में डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करके गैस का ध्यान रख के गैस को भी लो फ्लेम पर ही रखना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गांठें ना बने। इसमें और घी डालेंगे। देखिए बेसन को हम बार बार चलाते रहेंगे नहीं तो लग जाएगा। फ्रेंड, बेसन को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा लाइट रखेंगे, ना ज़्यादा कच्चा ना ज़्यादा भुना हुआ, थोड़ा मीडियम पे हम पकाएंगे इसको। देखिए बेसन हमारा भुनने लगा है, बेसन और आटा काफ़ी थोड़ा और हमें इसको भुनना है। ये भुन जाएगा तो घी छोड़ देगा। बेसन के और आटे के लड्डू को हम ज़्यादा दिन तक चलाना है तो हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज़्यादा दिन तक नहीं खाना, 10 दिन के लिए रखना है, तो हम इसमें थोड़ा दूध और मलाई भी डाल सकते हैं घी कम डालकर। अगर हम घी के बनाएंगे तो 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं।
देखिए हमारा बेसन भुन गया है, देखना, और घी भी ये थोड़ा छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें ये कटे हुए ड्राई फ्रूट डालूंगी, ये मैंने बादाम काट लिए हैं। ये गोला कद्दूकस कर लिया था मैंने, ये डालूंगी। ये काजू डालूंगी। ये किशमिश है, किशमिश को मैं बाद में डालूंगी, नहीं तो ये इसका टेस्ट कड़वा लगेगा जो अब डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके ड्राई फ्रूट को हमें इसमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि ये क्रंची हो जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बड़े बूढ़े हैं तो आप ड्राई फ्रूट काट कर डालने के बजाय थोड़ा ग्राइंड भी कर सकते हैं। एक या दो मिनट तक ये ड्राई फ्रूट डालकर भूनना है। दो मिनट हो गए, देखना हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है और कलर भी कितना सुंदर आया है। अब इसको अच्छे से चलाकर गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब देखिए बेसन ठंडा हो गया है, अब इसको इसमें मैंने किशमिश डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें बूरा डाल देंगे। बूरा मैंने 1 kg लिया था पर मैंने 800 ग्राम के आसपास डाला है। बूरा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम खाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बूरे में कोई गांठ ना रह जाए। हमने इसे मिक्स किया है, इसके गांठें धुल रही हूँ। ये देखिए मैंने बेसन को और बूरे को अच्छे से मिला लिया है, इसमें कोई गांठें भी नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। लड्डू आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे साइज में बड़े साइज में जो आपको पसंद हो। देखिए मेरे लड्डू बन गए हैं, देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं दानेदार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।